Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान्तिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सप्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद पहला अध्याय और श्लोक नंबर 17 का हम उच्चारण करेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा विचारना करेंगे। यदि पॉसिबल है तो यह जो श्रीमद् भागवतम का यह जो श्लोक है तो स्क्रीन के सामने रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। अप्यसेत मनसा सुतम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेचित स्वासो ब्रह्मा जीमा विस्मरन् अप्यसेन मनसा सुतम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेचित स्वास ब्रह्मा बीजम अविस्मरन। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यह जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया कि यहाँ पे सबसे पहले अभ्यसेत का अर्थ होता है अभ्यास करना चाहिए। मनसा मन से, शुद्धम पवित्र त्रिवृत्त तीन अक्षरों से निर्मित, ब्रह्म अक्षरम दिव्य अक्षर, परम परम मना मना, यच्छेत वश में करे, जीता श्वास श्वास को नियमित करके, ब्रह्मा परम बीजम बीज को, अविस्मरण बिना भुलाए। अनुवाद इस प्रकार से है, उपयुक्त विधि से आसन मारकर मनुष्य मन को तीन दिव्य अक्षरों अ उ म
का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, तात्पर्य के ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर यह जो श्लोक है इसके आगे वाला जो श्लोक है ना, तो कल मेरे ख्याल से प्रभु जी ने यहाँ पर दिया था कि 16वां नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया गया था कि मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। यह जो प्रथम अध्याय है भक्तों, यह जो प्रथम अध्याय के अंदर इसका नाम है इस अनुभूति का शुभारंभ। सबसे पहले इसका यह जो शीर्षक है इस अनुभूति, इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण, है ना, भगवान की अनुभूति का शुभारंभ। बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय का नाम दिया है कि हम किस प्रकार से इस प्रथम स्कंध के अंदर जान पाएंगे कि हम किस प्रकार से भगवान की साथ अनुभूति का एहसास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो यह जो श्लोक मैंने उच्चारण किया, तो यह जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया है। तो सुखदेव गोस्वामी 16वें नंबर पे मतलब बता रहे हैं कि हमको अष्टांग, यह जो पूरा यह जो अध्याय है ना अष्टांग योग पद्धति के ऊपर आधारित है। जैसे अष्टांग योग के अंदर आप लोगों को पता होगा कि आठ योग, मतलब अष्ट प्रकार के जो योग होते हैं उसके द्वारा जो योग किया जाता है उसको अष्टांग योग पद्धति कहते हैं। तो अष्टांग योग के अंदर सबसे पहले आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, इसको हम क्या कहते हैं अष्टांग योग, है ना। तो ये आठ योग हैं। तो इसके ये जो 16वां नंबर का यह जो श्लोक था उसके अंदर कल हम लोगों ने देखा कि तीन योग का वर्णन हुआ था उसके अंदर। तो तीन योग कौन सा है, सबसे पहले यम, नियम और आसन, बराबर। तो 16वें नंबर के अंदर कहते हैं कि मनुष्य को घर छोड़ के आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। घर छोड़ने की विधि कभी है, जैसे कि हम देखते हैं चार वर्ण और चार आश्रम है, है ना। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचारी, उसके बाद में गृहस्थ, उसके बाद में वानप्रस्थ और उसके बाद में है संन्यास आश्रम, बराबर। तो घर छोड़ के कभी जाना चाहिए कि व्यक्ति जब भी वानप्रस्थ मतलब होता है 50 साल के बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है, है ना। तो 25 साल तक ब्रह्मचारी व्यक्ति रह सकता है, उसके बाद में व्यक्ति चाहे तो विवाह कर सकता है, गृहस्थ जीवन के अंदर प्रविष्ट कर सकते हैं। तो 25 साल तक गृहस्थ जीवन में बिताना होता है और जैसे ही 50 साल खत्म हुआ, बराबर, 51 का अर्थ होता है उसके पीछे वन शब्द लग जाता है। तो वन जब भी शब्द लग जाता है हमारे जीवन, हमारी आयुष्य के बाद में, तो हमको घर का परित्याग करके हमको वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। यह हमारी वैदिक परंपरा है। तो यह जो 16वां जो श्लोक है उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने श्रवण किया कि हमको घर त्याग करके यम, नियम और आसन एक जगह के ऊपर बैठ करके वन में जा करके हमको भगवान का ध्यान करना होता है। और आज का यह जो श्लोक है उसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर यह जो चौथा योग है उसके ऊपर बताया गया है सुखदेव गोस्वामी ने, जिसको कहते हैं प्राणायाम, है ना। यहाँ पर प्राणायाम क्यों करने के लिए कहा गया है, प्राणायाम तो हमको इसके लिए करना चाहिए कि हम हमारे मन को वश में कर सके, है ना। तो सबसे पहले यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से श्रवण किया। और आज का यह जो टॉपिक है, यह जो 17वां नंबर का श्लोक है, वो पूरा श्लोक जो है ना प्राणायाम के ऊपर आधारित है। और इसके बाद वाला जो 18 नंबर का श्लोक जो है वो प्रत्याहार के ऊपर पूरा आधारित है, है ना। तो आज हम सुनेंगे कि हमको प्राणायाम किस प्रकार से करना है। देखिए भक्तों, श्रीमद् भागवतम जो है ना, हमको जीने की, हमको किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से मरना चाहिए, यह पूरा जो है ना विज्ञान जो है ना श्रीमद् भागवतम में हमको दिया गया है। तो जीना, जीने को भी सिखाता है श्रीमद् भागवतम और मरने को भी सिखाता है कि व्यक्ति को किस प्रकार से मरना चाहिए। तो यहाँ पर है यह जो 17वां नंबर श्लोक है प्राणायाम के ऊपर, बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं।
तो आइए हम श्लोक के ऊपर फोकस करते हैं। कृपया करके श्लोक हमारे स्क्रीन के सामने लाइए। हाँ, तो श्लोक में यह सबसे पहला यह जो शब्द है अभ्यासेन मनसा शुद्धम, इफ पॉसिबल प्रभु जी प्लीज श्लोक हमारे स्क्रीन के सामने लाइए। सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पे यह जो श्लोक दिया गया है उसके ऊपर थोड़ा अपने मन को फोकस कीजिए, क्योंकि आज हम जो है ना प्राणायाम करेंगे। देखिए ये अष्टांग योग वगैरह जो है, एक हम ये जो योग करते हैं है ना, तो आजकल के ये जो योग करा भारी दृष्टि से जो योग होते हैं, बाहर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आज योगा वगैरह सब करते हैं है ना, प्रत्याहार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? यह सब योग करके वो शरीर स्वस्थ करने के लिए योग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो योग करने वाले हैं वो आध्यात्मिक योग करने वाले हैं। यह सब योग का अर्थ होता है कि जोड़ना है ना, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, किसी के साथ में हम ज्वाइंट करते हैं उसको योग करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? योग करते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन वास्तविक हमारे आचार्यों ने तो योगियों ने हमको जो योग का वास्तविक अर्थ है जोड़ना, लेकिन किसके साथ में जोड़ना? हमको हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ में यदि हम जोड़ते हैं उसको योग कहते हैं, है ना। भगवान के साथ में हमारी आत्मा को जोड़ना है ना, भगवान के साथ में एक रूप होना है, उसको योग कहा जाएगा। तो यहाँ पर शब्द है सबसे पहले अभ्यासेना। अभ्यासेना का अर्थ क्या होता है? हमको अभ्यास करना चाहिए, है ना। किसका अभ्यास करना चाहिए? अभ्यासेना मनसा शुद्धम, अभ्यास करना चाहिए। क्या करने के लिए? मनसा, मन को शुद्ध करने के लिए, अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यदि आप सबसे पहला यदि शब्द देखेंगे अभ्यास, अभ्यासेना अभ्यास करना चाहिए, मनसा यानी मन से, शुद्धम मन को शुद्ध करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। एकदम सिंपल मतलब है, हमको केवल आप श्लोक के ऊपर यदि अपना मन को केंद्रित करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अभ्यास करना है मनसा, मन से अभ्यास करना है। क्या करने के लिए? मन को शुद्ध करने के लिए। और कैसे शुद्ध किया जाता है? तो आगे की लाइन में बताते हैं त्रिवृत्त, त्रिवृत्त ब्रह्म अक्षरम परम। त्रिवृत्त यानी क्या होता है? तीन अक्षर से हम क्या कर सकते हैं? अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यह तीन शब्द कौन से हैं? जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज अनुवाद के अंदर लिखते हैं कि अ उ म, है ना, यह जो तीन अक्षर है उसके द्वारा हम हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं। अ उ म का अर्थ क्या होता है? ओम, है ना। तो ओम बराबर, हमको यह जो ओम जो है ना उसका उच्चारण करना चाहिए। यदि आप कहेंगे कि अरे हम तो हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब उच्चारण करते हैं, है ना, यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। देखिए भक्तों, ओम और हरे कृष्णा महामंत्र उसमें भेद नहीं है, वह हम आगे जानेंगे। ओम और हरे कृष्णा महामंत्र दोनों एक ही है। जैसे सृष्टि का भगवान से भगवान ने जब भी प्रारंभ किया तो सबसे पहला जो शब्द निकला था वह था ओम, ओम का ध्वनि निकला था। तो ओम का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? अ उ म, ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर तीन स्वर है, लेकिन इसके अंदर जो म यह जो तरंग है ना वो थोड़ा सा साइलेंट है। तो ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर जो है ना साढ़े तीन अक्षर है, कितने अक्षर है? साढ़े तीन। तो यह जो ओम का अर्थ क्या है, आज उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा विचार करेंगे। ये ओम का उच्चारण करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ओम का उच्चारण करने से ओम जो है ब्रह्म अक्षर है, दिव्य ध्वनि है, आध्यात्मिक ध्वनि है। जैसे यहाँ पे कहा गया है त्रिवृत्त ब्रह्म अक्षरम, ओम को क्या कहा गया है? ब्रह्म अक्षरम। ब्रह्म अर्थात क्या हुआ? भगवान, भगवान भगवान के साथ में डायरेक्ट संबंध है। ओम क्या है? भगवान का नाम है। ओम ब्रह्म अक्षर है ना, दिव्य अक्षर है। और क्या है? परम। परम का अर्थ होता है, परम मतलब पवित्र अक्षर है। तो इस ओम का उच्चारण करने से भक्तों हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन को क्या कर सकते हैं? हम शुद्ध कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आपको ओम के बारे में बताएंगे कि ओम क्या है। तो उसके अंदर जो है ना तीन शब्द है, साढ़े तीन शब्द है, ओम अ उ म, और जो आधा अक्षर जो है ना वह नाद है। तो सबसे पहले अ का अर्थ होता है बलराम,
उ का अर्थ होता है प्रद्युम्न, म का अर्थ होता है अनिरुद्ध, और नाथ का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो यह जो है ओम का डेफिनेशन है, ठीक है। अ का अर्थ हुआ बलराम, उ का अर्थ हुआ प्रद्युम्न, म का अर्थ हुआ अनिरुद्ध, और नाथ, नाथ का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो आज हम सभी भक्त लोग क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए जब भी हम ओम शब्द बोलते हैं ना, तो हमारा ये जो नाभि जो होता है ना, नाभि से निकलता है। हम सभी लोग, सभी भक्त लोग प्रयास करेंगे ओम बोलने का, उच्चारण करने का। देखिए आंख बंद करना है, यह एक प्राणायाम है ना। प्राणायाम जब भी करते हैं ना, तो ओम का उच्चारण क्या कराया जाता है। एक आसन के ऊपर हमको बैठना है, हमको पलाठी मारना है, और इस तरीके से जैसे मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बैठना है ना, और अपने आंख को है ना बंद करना है, और श्वास को एकदम डीपली लेना है ना। श्वास को ऊपर उठाया, बाद में श्वास को धीरे धीरे छोड़ के हमको क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार से यदि हम ओम का उच्चारण करते हैं, है ना, तो ओम क्या है, साक्षात भगवान का शब्द है, भगवान से निकला हुआ शब्द है। भगवान श्री कृष्ण और ओम में किसी भी तरह का फर्क नहीं है। तो इस प्रकार हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो इसको प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं भक्तों, प्राणायाम। और इस प्राणायाम की विधि से हम हमारे मन को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आया ना, अभ्यास है ना मनसा, अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करने का। प्राणायाम कैसे करना है, ओम का उच्चारण करना है ना। तो अभ्यास है ना मनसा शुद्धम, है ना, अभ्यास करेंगे मन को शुद्ध करने के लिए। कैसे करना है, तीन शब्द के द्वारा। वह तीन शब्द कौन से, ओम अ उ म और नार। अ का अर्थ होता है बलराम, उ का अर्थ होता है प्रद्युम्न, म का अर्थ होता है अनिरुद्ध, और नाथ का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमको भगवान श्री कृष्ण का क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उच्चारण भी करना है और भगवान का क्या करना है, ध्यान भी करना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम हमारे मन को क्या कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। तो यह जो पहला लाइन है वह क्या है, मन को शुद्ध करने की विधि है। अभी दूसरी लाइन के अंदर आते हैं। दूसरे लाइन के अंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मन, देखो यहाँ पे वापस क्या शब्द आया, मन। यह इस श्लोक के अंदर मन जो है ना, मन का दो बार रिपीटेशन हुआ है। पहले श्लोक के अंदर अभ्यास है ना मनसा, मन बराबर, मन को अभ्यास करने के लिए लगाना है। यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर स्टार्टिंग में आ गया मन, मन यच्छे जीत श्वासो, मन के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया है। मन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भक्तों, हम जो है ना, हमारा स्वभाव कैसा है, मन को है ना हम एक जगह के ऊपर स्थिर नहीं कर सकते, है ना। तो मन जो है ना वो अलग अलग तरंगे मतलब होती है, अलग अलग विचार, बहुत सारे विचार हमारे जीवन के अंदर आते हैं। मन के अंदर जो भी विचार है हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि मैं सबको है ना मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना उसको वश में करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन मेरा बहुत ही चंचल है। एक भजन आता ना, मन मेरा बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। यह जो मन जो है ना बहुत ही चंचल है, उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जैसा अर्जुन व्यक्ति जो है ना, अर्जुन कहता है कि मैं
वायु जो है ना, वायु को मैं मेरे वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना उसको मैं मेरे वश में नहीं कर सकता हूँ भक्तों। तो यह मन को कैसे वश में करें? देखिए भक्तों कि जैसे पानी जो होता है ना, पानी का स्वभाव है बहना, उसी प्रकार से मन जो है ना, मन का भी स्वभाव क्या होता है? बहना। मन जो है ना बहता है, जैसे पानी जैसे हम नीचे डालते हैं तो बहने लगता है, उसी प्रकार से मन को यदि हम वश में नहीं करेंगे ना तो वो भी क्या होता है? पानी की तरह बहते रहता है। और एक चीज है कि पानी को यदि नीचे से हमको, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, टावर है, 10 माले का बिल्डिंग है, पानी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भक्तों हमको हमारे मन को यदि ऊपर उठाना है तो मंत्र की आवश्यकता होती है। जैसे पानी को हम यंत्र के द्वारा ऊपर ऊपर लेके जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम हमारे मन को यदि ऊपर उठाना चाहते हैं, भगवान के धाम में लेकर के जाना चाहते हैं, तो हमको महामंत्र की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मन को हम मंत्र के द्वारा ऊपर लेकर के जा सकते हैं, पानी को यंत्र के द्वारा, और मन को महामंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऊपर उठाया जा सकता है मन को। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई है सुखदेव गोस्वामी ने, सेकंड लाइन के अंदर ये जो मन शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण, यह है मन, मन यच्छेत चित्त वासु, मन, मन को क्या करना है? यच्छेत, वश में करना है। वश में कर, पहले पहली लाइन के अंदर मन को शुद्ध कैसे करना है उसके बारे में बताया, अभी दूसरे लाइन के अंदर बोलते हैं कि मन को वश में किस प्रकार से करें। सबसे पहले मन को शुद्ध करने की विधि बताई। मन को शुद्ध कैसे किया जाता है? प्राणायाम के द्वारा, ओम का उच्चारण करके हम मन को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी लाइन के अंदर बोलते हैं मन यच्छेत चित्त स्वासु, मन को क्या करना है? वश में करो, है ना, पहले शुद्ध करने के लिए बताया, बाद में दूसरी लाइन में बोलते हैं कि मन को वश में करो। अभी मन को वश में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बोलते हैं चित्त स्वासो, श्वास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मन को वश में कर सकते हैं। उसके आगे की लाइन है और दो तरीका, श्वास के द्वारा और क्या है? ब्रह्म बीजम अविस्मरण। ब्रह्म बीजम, ब्रह्म बीजम का अर्थ होता है भगवान, है ना। ब्रह्म बीज मतलब क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण बीज यदि कोई है तो वो है ओम, है ना। तो ब्रह्म बीजम, भगवान का स्मरण करके, ओम का स्मरण करके पहले मन को शुद्ध करना है, बराबर, ओम का उच्चारण करके। अभी मन को क्या करना है? जीत श्वासो, श्वास के द्वारा, और ब्रह्म बीजम अविस्मरण, भगवान का स्मरण करके हम क्या कर सकते हैं? मन को वश में कर सकते हैं। मन यच्छेत, मन यच्छेत, मन यच्छेत का अर्थ होता है, यहाँ पे जो यच्छेत शब्द है ना उसका अर्थ होता है वश में करना। हम क्या करना चाहते हैं? पूरी दुनिया को वश में करना चाहते हैं। जैसे एक स्लोगन है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी की में, है ना। तो मन को मुट्ठी में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मन यच्छेत चित्त श्वास, श्वास के द्वारा, है ना। तो हम देखते हैं शास्त्र के अंदर कहा गया है कि हम जितना तेज गति से श्वास लेते हैं ना, जैसे हमको पशुओं की तरह श्वास नहीं लेना है। यहाँ पे गुरु महाराज बहुत ही सुंदर एग्जांपल देते हैं कुत्ते का, है ना। आप लोगों ने कुत्ते कुत्ते को देखा होगा, कभी जब भी कुत्ता श्वास लेता है इस प्रकार से श्वास लेता है। यदि हमको कुत्ते की तरह, पशुओं की तरह श्वास नहीं लेना, हमको श्वास कैसे लेना है? धीरे धीरे, इस प्रकार से जितना आप धीरे धीरे श्वास लोगे भक्तों, उतना आपका आयुष्य बढ़ेगा, आपका प्राण जो है ना धीरे धीरे जाएगा। जितना जल्दी जल्दी श्वास लोगे उतना आप जल्दी प्राण को त्यागोगे, यह निश्चित है, है ना। इसके लिए पहले की योगी मुनि जब भी ध्यान में बैठते थे तो अपने श्वास को कहीं समय तक, कहीं सालों तक उसको रोक के रखते थे। तो वो क्यों रोकते थे? कि श्वास को जितना आप रोकते हो तो श्वास को रोकने से हमारी आयुष्य बढ़ती है ना। और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि हम श्वास को कई सालों तक रोक सकें। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, यदि हमको हमारे आयुष्य को बढ़ाना है, हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं, लंबे समय तक भगवान का भजन करना चाहते हैं भक्तों, तो श्वास को आराम से, धीमे धीमे, हाँ धीरे धीरे श्वास को लेना चाहिए।
हम जितना स्लोली श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, उतना आयुष्य को हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तो देखिए कि कछुआ जो होता है ना बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि कछुआ जो है ना सबसे धीमी गति से श्वास लेता है ना। लेकिन हमको क्या है, आजकल जो कलयुग का इतना प्रभाव, हमको सब चीज तुरंत है ना क्विकली चाहिए, फटाफट चाहिए, है ना, जल्दी से हार, मतलब क्या है, पैसा भी जल्दी से आना चाहिए, घर भी जल्दी से आना चाहिए, कुछ भी ज्ञान भी जल्दी से हासिल करना चाहिए। लेकिन आप जितना भी जल्दी जल्दी करने का प्रयास करोगे, है ना, तो जल्दी जल्दी करने से एक सबसे पहला कार्य जो है ना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि घाई गड़बड़ी में किया हुआ कार्य जो है ना हमको सक्सेस नहीं देता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। भक्ति भी करते तो जल्दी जल्दी नहीं, भक्ति करना है शांति से, मन को सबसे पहले शुद्ध करो, जिस प्रकार से यहाँ पे 27 श्लोक के अंदर कहा गया है, सबसे पहले मन को शुद्ध करो, है ना। यह प्रणाली है, रोज प्रतिदिन हमको क्या करना चाहिए, 5-10 मिनट यह जो है ना ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का जैसे आप उच्चारण करोगे ना तो शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, स्वर के शरीर के अंदर एक अलग से एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और वो जो शक्ति मिलेगी उससे आप क्या कर सकते हो, भगवान का अच्छी तरीके से ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, भगवान का बहुत अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से महामंत्र का जप कर पाओगे। आप देखिए, प्रयास करके देखिए, जैसे आप सुबह को उठते हो, नहा धो लो और सबसे पहले एक आसन के ऊपर बैठ जाओ, और आसन के ऊपर स्थिर करके ओम का करीबन 8-10 बार उसका उच्चारण करो। देखिए आपका मन जो है ना भटक रहा है ना, तो भटके हुए मन को ओम के द्वारा हम एक जगह के ऊपर स्थिर कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी आप चैंटिंग करने के लिए बैठोगे तो ऑटोमेटिक हमारा मन जो है ना भगवान के नाम में लगेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, हम जैसे ही माला को लेते हैं ना, एक माला दो माला करते हैं ना, उसके बाद में शरीर के अंदर पता नहीं क्या होने लगता है, है ना, नींद आ जाती है और नींद आ जाती है, कभी कभी माला मतलब हाथ में रह जाती है, मन सो जाता है, कभी कभी हाथ से माला गिर भी जाती है, यह हमारी स्थिति है। यदि हम अच्छी तरीके से भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो प्रणाली बताई, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो बता रहे, उस प्रणाली का हमको क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, एक जगह के ऊपर बैठ के प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद में जीत यहाँ पे कहते हैं ब्रह्म बीजम, है ना, श्वास को सबसे पहले धीरे धीरे लेना है। श्वास को धीरे धीरे लेंगे तो उससे क्या होगा कि श्वास को धीरे धीरे लेने से हमारी अंदर शक्ति आएगी शरीर के अंदर, और श्वास को धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे श्वास लोगे उतना आपका आयुष्य बढ़ते जाएगा। और हम राधानाथ महाराज का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि महाराज जब भी जप करते हैं ना तो कैसे जप करना चाहिए, देखिए भक्तों, श्वास को रोक करके, है ना, एक जैसे हम महामंत्र जप करते हैं, पहले मैंने श्वास ले लिया है ना, तो श्वास को पहले ऊपर ऊपर उठाना है ना, तो एक श्वास को मतलब एक श्वास से हम कितना महामंत्र जप कर सकते हैं, तो देखिए मैं प्रयास करता हूँ, एक श्वास को रोक करके कितना महामंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो एक श्वास से करीबन 3-3.5 या 4 महामंत्र का उच्चारण हुआ, लेकिन महाराज जी जो राधानाथ महाराज है ना उनका अभ्यास है, वह एक श्वास से करीबन 7 महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो हम जैसे जैसे रोज इस प्रकार से प्रयास करेंगे महामंत्र जपने के लिए, तो हम भी इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से ज्यादा महामंत्र का जप कर सकते हैं। श्वास को रोको, महामंत्र जप करो, वापस श्वास लो, महामंत्र जपो, आप काउंटिंग करते जाओ कि एक श्वास के अंदर मैं कितना महामंत्र जप कर सकता हूँ। कि कोई लोग एक नाम जप कर सकते हैं, कोई लोग दो नाम जप कर सकते हैं, कोई लोग 4 नाम जप कर सकते हैं, कोई लोग 5 नाम जप कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप श्वास रोक करके महामंत्र जपने का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे यह महामंत्र की जो संख्या है ना बढ़ते जाएगी। तो हमको इस प्रकार से जप करना चाहिए, या हमको गुरु महाराज जो है राधावनाथ महाराज जो है ना हमको इस प्रकार से सिखाते हैं, है ना। बाद में यहाँ पे कहा गया है कि महामंत्र का जब भी जप करते हैं तो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। अविस्मरण का अर्थ क्या होता है कि बिना भुलाए, विस्मरण है ना, स्मरण का अर्थ होता है कि भगवान के बारे में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में क्या करना, स्मरण करना, है ना। तो हमको क्या करना है,
स्मरण करना है। कैसे स्मरण करोगे? मन के द्वारा। मन का तीन कार्य है। मन का कौन कितने कार्य? तीन कार्य। कौन से कार्य है? सबसे पहला मन का कार्य है थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग और तीसरा है विलिंग, है ना, सोचना, अनुभव करना और चाहना। सबसे पहले हम जो भी कुछ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन जो है ना वो क्या करता है? सोचता है, बाद में उसका अनुभव करता है, उसके बाद में विलिंग करता है। तो हमको क्या करना चाहिए? मन के द्वारा तीन कार्य होता है, सोचना, अनुभव करना और विलिंग करना, है ना। तो जब भी हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जैसे आप भगवान की लीला का स्मरण करोगे, ऑटोमेटिक हमारा मन जो है ना भगवान के अंदर लगेगा। हम भजन करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना, जब भी हम चैंटिंग करते हैं ना या कुछ भी कार्य, आप अभी आपको मैं दोनों एग्जांपल दूंगा। एक छोटी सी कहानी, जैसे आज हमारा 9 बज गया है, मेरा श्लोक मतलब यहाँ पे ही खत्म हो गया। समय प्रभु, थोड़ा 5 मिनट समय ले सकता हूँ जी? प्रभु प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो देखिए, बहुत ही आज भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य, है ना, हमको दोनों के अंदर सफलता चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमको जीवन के अंदर है ना सफलता मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारा जो निश्चय है ना, हमने अभी तक जीवन के अंदर निश्चय नहीं किया कि हमको क्या करना है। जैसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति करना, लेकिन भगवान की प्राप्ति करना लक्ष्य को अभी तक हम लोगों ने ठाना नहीं है। यदि हम जीवन के अंदर ठान ले कि मुझे इस लक्ष्य की ओर पहुंचना है तो हम अवश्य पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने निश्चय नहीं किया है। तो भगवान की प्राप्ति करने के निश्चय किस प्रकार से कर, मतलब अच्छी तरीके से कर पाए, तो उसके ऊपर से एक आपको मैं अच्छी से एक स्टोरी बताऊंगा, ताकि हम भौतिक कार्य के अंदर और आध्यात्मिक कार्य के अंदर कैसे हम जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करें। हाँ, तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है। एक घटना है भक्तों के जापान के अंदर की। जापान के अंदर एक राजा था, और आजकल हम देखते कि युद्ध होते रहता था, उस समय मतलब काफी सालों पहले की घटना है, युद्ध होते रहता था। तो जापान का राजा जो था ना, उसका एक सेनापति था। वह सेनापति हमेशा युद्ध करने के लिए जाया करता था। तो जापान के ऊपर कुछ लोग जो है ना, कुछ आजू बाजू देश वाले उसके ऊपर चढ़ाई करते थे, लेकिन वो जो सेनापति था ना, वो बहुत ही मतलब दिमाग और बहुत ही मजबूत मतलब ये था। और वह जो व्यक्ति जो सेनापति जो था ना, वो सेनापति ने आज तक कभी भी युद्ध में परास्त नहीं हुआ। एक भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ कि वो सेनापति युद्ध के अंदर परास्त हुआ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि यह जो जापान की जो सैन्य जो था ना, बहुत कम होता था, और जापान ये जब भी युद्ध करने के लिए जाता था तो सामने वाले देश सभी चढ़ाई करते थे, तो इनके सैन्य के सामने 10 गुना सैन्य उनके सामने रहता था, लेकिन फिर भी आज तक कभी भी यह जो सेनापति है ना, युद्ध में परास्त नहीं हुआ। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? तो एक बार राजा ने सेनापति को बुलाया, देखो मैं इतने सालों से मैं तुमको देख रहा हूं कि तुम हमारे सामने 10 गुना सैन्य लेकर के मतलब युद्ध करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन फिर भी तुम कभी परास्त नहीं हुए, उसके पीछे कारण क्या है, यह राज क्या है कि तुम कभी परास्त नहीं हुए? तो वो सेनापति जो है ना, बहुत ही सुंदर बात जो है ना उस राजा को बताता है, और वह जो बात है ना हमको भी हमारे जीवन के अंदर अप्लाई करने की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको आज इस कहानी के द्वारा देना चाहता हूँ। उस सेनापति ने जो बात कही, बहुत ही अद्भुत बात है। सेनापति जो है ना, वो राजा को बताता है, देखिए मैं जब भी युद्ध करने के लिए जाता हूँ ना, तो उस दिन सुबह वो मंदिर में भगवान के पास में जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और जैसे भगवान से अच्छे मन से दिल से प्रार्थना करता है ना, और भगवान से प्रार्थना करता है, जैसे मंदिर से बाहर निकलता है और उसके सामने उनकी जो सेना जो होती है ना, वहां पर उपस्थित होती है ना। जैसे युद्ध करना है, राजा या सेनापति मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना किया, और जैसे मंदिर से बाहर निकला तो सारी सेना उसके सामने मतलब खड़ी होती है, और युद्ध होने से पहले युद्ध का निर्णय हो जाता है कि आज का युद्ध हम जीतेंगे या हारेंगे। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच के अंदर जब भी क्रिकेट प्रारंभ होता है तो टॉस किया जाता है ना, हेड या टेल करके, है ना। तो इस प्रकार से उसके पास में एक सिक्का था, है ना, हम लोग के गुजराती भाषा में बोलते हैं
छाप और काट, है ना, तो इस प्रकार से। तो वो जो सेनापति जैसे भगवान को प्रणाम करके आता था और सभी सैनियों के सामने जो है ना वो क्या करता था, वो सिक्का जो था ना ऊपर उछालता था, और जैसे ही सिक्का ऊपर उछालता था वो बोलता था यदि छाप आया तो आज का युद्ध हम जीत जाएंगे, यदि काट आया तो आज का युद्ध हम हार जाएंगे, है ना। तो वो क्या करता था, युद्ध करने से पहले वो सिक्का उछालता था सेनापति, और जैसे ही सेनापति सिक्का उछालता था वो बोलता था कि छाप छाप आया यानी आज का युद्ध हम जीतेंगे, और सारा का सारा सैन्य है ना ये दृश्य देखता था, है ना। और सैन्य युद्ध होने से पहले ही डिसाइड हो जाता था कि आज का युद्ध हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो क्या होता था कि जैसे छाप आया तो सेनापति बोल देता था कि छाप आया आज का युद्ध हम क्या जीतने वाला है करके, इतना विश्वास, मतलब उनको पूरा सैन्य जो था ना उसको विश्वास था सेनापति के ऊपर, है ना। तो छाप आता था तो राजा ने प्रश्न किया, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा छाप ही आएगा, या कैसे संभव है, कभी कभी तो काट भी आ सकता है, है ना। तो तुरंत ही वो जो सेनापति जो था ना उसने अपने पास में जो सिक्का जो था ना सिक्का राजा के पास में फेंका कि ये देखो सिक्का करके, और जैसे ही राजा ने उस सिक्का को देखा तो सिक्का जो था ना दोनों बाजू जो सिक्का जो थे ना क्या थे, छाप थी, काट उसके अंदर था ही नहीं। और आप लोग सब लोग को पता है कि छाप आना है तो कैसे भी, मतलब कैसे भी सिक्का उछालेंगे छाप ही आना है, क्योंकि दोनों बाजू क्या था, छाप था। तो राजा मतलब देख करके मतलब हैरान हो गया, तभी वो सेनापति बताता है कि देखो हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, है ना, हाँ, तो हमको सफलता हासिल करनी है तो हमको पॉजिटिविटी हमको मतलब माइंड के अंदर लाना है ना। सफलता हमको क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता है, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलो ठान के रखो कि मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूँ उसमें निश्चित 100% मुझे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, मैं भजन कर रहा हूँ माला कर रहा हूँ डेफिनेटली भगवान मुझे प्राप्त हो गए, अवश्य ही भगवान की प्राप्ति मुझे होने वाली है। इस उद्देश्य के साथ में यदि हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो उसमें किसी भी तरह का दोहराई नहीं है कि हमको भगवान नहीं मिलेंगे। तो सेनापति की बात जब भी सुनी, और वो जो सैन्य जो था ना वो सैन्य को जो है ना भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था भक्तों, वो जो सेनापति जो था ना वो सैन्य जो था उसको भगवान के प्रति विश्वास नहीं था, लेकिन उस सैन्य को या जो सेनापति की जो श्रद्धा थी ना उसकी श्रद्धा के ऊपर श्रद्धा था, इसके लिए वह लोग युद्ध हमेशा के लिए जीतते थे। भक्तों हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जो कार्य कर रहे उस कार्य के अंदर ही हमारा विश्वास नहीं है। भक्तों यदि हम जो कार्य कर रहे उसके ऊपर यदि विश्वास नहीं है तो हमको सफलता कैसे प्राप्त होगी। इसके लिए भक्तों हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर हमको श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हमको हमारे गुरु महाराज, हमारे जो भागवतम है, हमारे शास्त्र, उसके ऊपर जब तलक हम विश्वास नहीं रखेंगे तब तलक हमको जीवन के अंदर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान की प्राप्ति करने से करने के लिए हमको सबसे पहले भगवान के, हम जब भी घर से निकले तो तीन चीज चार चीज करना जरूरी है। सबसे पहले घर से निकले भगवान से प्रार्थना किया, सेनापति ने भगवान से प्रार्थना किया तो क्या युद्ध जीत गए, नहीं, खाली भगवान से प्रार्थना करने से युद्ध नहीं जीता जाता। उन्होंने सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की, बाद में सेकंड उन्होंने क्या किया, सेना जितने भी उनके जो सैन्य जो थे ना उनके प्रति विश्वास, है ना, विश्वास जगाया लोगों के अंदर कि हम आज का युद्ध जीतेंगे, है ना। तो विश्वास होना चाहिए, हम जो प्रार्थना करते हैं सबसे पहले प्रार्थना करना है, बाद में विश्वास करना है, उसके बाद में क्या करना है, कार्य करना है। यदि हम बोले कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे बस हम युद्ध जीत जाएंगे, नहीं भक्तों, हमको सबसे पहले भगवान से प्रार्थना किया, विश्वास जगाया, उसके बाद में हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, जिस कार्य के लिए बाहर निकल रहे उसके लिए परिश्रम करना होगा। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे घर पे बैठे बैठे कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है। पैसा कमाना है तो घर से बाहर निकलना होगा, भगवान को प्राप्ति करनी है घर से बाहर निकल कर मंदिर जाना होगा, भगवत गीता हाथ में लेनी होगी, भगवत गीता पढ़नी होगी, भागवत पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। यह विश्वास के साथ में
हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम हमारी वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा समय आपका 11 मिनट ज्यादा ले लिया, आपका छोटा सा सेवक समझकर हमारी गलती को क्षमा करना, और आशा करता हूँ कि आपको जो भी कुछ अच्छा लगा हो आप अपने साथ में लेकर के जाइए, जो भी बुरा लगा हमको रिटर्न दे दीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने जो था आज का श्लोक इसको प्रेजेंट किया ब्रो, खास करके ये जो प्राणायाम वगैरह जो है वो करवाया, एंड ओम का क्या महत्व है और कैसे हम लोग जो है अपना जप, अगर हम लोग थोड़ा सा मन को फोकस रखे करेंगे तो अच्छा जप होगा हम लोगों का। ये भी एक अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिससे हम लोग भी जो है अपना मन अच्छे से फोकस करके जप कर सके, क्योंकि अपना जीवन का उद्देश्य है कि हमको अच्छा जप करना। जप अच्छा नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा था, और जो लास्ट का जो स्टोरी भी जो बताया आपने तो बहुत बहुत सुंदर था। सो थैंक यू प्रभु, और ऐसे ही आप आते रहिए, ऐसे सुंदर सुंदर कथा हमको सुनाते रहिए। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, यस इट्स गुड, दंडवत प्रणाम प्रभु आपको और सभी भक्तों को। आई थिंक गलती से लॉग आउट हो गया उनका, उनका वेट करते हैं हम लोग, तब तक किसी और भक्त का कोई आ गया। सॉरी प्रभु जी, मेरा थोड़ा कनेक्ट ये प्रॉब्लम हो गया था, सुबह में भी स्टार्टिंग में भी ये कट हो जा रहा था, फिर वापस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, इसके लिए सॉरी। थैंक यू जीवन कृष्ण प्रभु जी, आपने आके सबको इतना अच्छा प्रेरित किया भक्ति के लिए, और प्रभु जी आपसे एक ही निवेदन है प्रभु जी, आपको जब भी समय मिले प्रभु जी तभी प्लीज वापस प्रभु जी आप कृपा कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा, आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर क्लास, एकदम जबरदस्त, बहुत ही अच्छा क्लास था, और जैसे लास्ट में आपने जो स्टोरी भी बताई वो भी बहुत मतलब हमें इंस्पिरेशन उसे मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और जो भी आपके जो आपने जो प्रैक्टिकली भी जो बताया वो भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच प्रभु, बस ऐसे ही आते रहिए प्रभु, आपका क्लास बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच प्रभु, प्रभु अवतार आवी थे बहु क्लास सुंदर आप पहुंचो तुम्हें। अरे महाराज जी की कृपा से हमारा बड़ा भक्तों ने आशीर्वाद छे जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। प्रभु जी मेरा एक सवाल ये था प्रभु कि जैसे आपने प्रभु जी ये ओम का ओम के बारे में बताया प्रभु, और आप जैसा बता रहे थे कि एज पर भागवतम हमें मतलब एटलीस्ट हमें जब महामंत्र जब पहले हम ओम का अगर उच्चारण करते हैं तो हम अच्छे से हमारे को हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बोल के घर से प्रभु जी। यस बट प्रभु जी, हाँ प्रभु, क्योंकि हम जब भगवान का नाम लेते हैं प्रभु तभी हमें मतलब भगवान के नाम पे थोड़ा वो अट्रैक्शन होता है, बट जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें मतलब जैसा वो मतलब वो कोई ये तेज के ऊपर मतलब ना प्रभु ऐसा हमें मतलब महसूस होता है, ऐसा हम पहले से सुनते आ रहे हैं। yes. तो व्हेन वी चैंट द ओम ओमकारा, सो व्हाट हमें हमें किस तरह से उसको देखना है, और व्हाट इज अवर कॉन्शियसनेस ऑन दैट टाइम प्रभु। हाँ प्रभु, देखिए जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ना प्रभु जी, तो ओम जो शब्द है ना, यदि आप ओम का जब भी उच्चारण करेंगे ना तो नाभि से निकलता है प्रभु जी, है ना। तो वो ये पृथ्वी का जो सर्जन हुआ ना, जैसे ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, बराबर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ कि गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से क्या हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, है ना। तो यह जो नाभि जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा बॉडी जो है ना उसका पार्ट है ना।
तो बेसिकली एक्चुअली क्या है कि ओम और हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन कलयुग का साधन है कि हमको महामंत्र का जप करना है, बराबर। महामंत्र इस मतलब एकदम टॉप मोस्ट लेवल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको महामंत्र है ना एकदम टॉप टॉप लेवल है, लेकिन उसके अंदर हमारा हम उसको ना बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, उसके अंदर रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। तो महामंत्र के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है। देखिए जैसे एक बार की घटना, मतलब मैं लेक्चर में सुन रहा था कि लोकनाथ महाराज का एक शिष्य था, तो वो जो है ना जिसका नाम गोपाल प्रभु की ऐसा कुछ तो है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब क्या है मृदंग बजाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे जो हम प्राणायाम का ये जो आया ना, तो वो प्राणायाम करके गया, और प्राणायाम करके गया ना, तो बाद में वो प्राणायाम करने के बाद में जब मृदंग बजाने के लिए गया ना, तो शरीर के अंदर एक अलग से एनर्जी थी, है ना। तो वो एनर्जी के साथ में बहुत अच्छे लंबे समय तक वो क्या किया मृदंग बजा पाया, और जैसे मतलब रेगुलर जब भी मृदंग बजाता था ना एक घंटा दो घंटे में थक जाता था, लेकिन जब भी प्राणायाम किया सुबह को उसने समझो 15-20 मिनट प्राणायाम करके जब भी प्रभु जी मृदंग बजाने के लिए लोकनाथ महाराज की मतलब उसमें कीर्तन में गए, तो लंबे समय तक उन्होंने मृदंग बजा पाए। तो बेसिकली क्या है कि ये जैसे हम ओम बाद में प्राणायाम यह सब योगा वगैरह करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। शरीर तंदुरुस्त रहने से हम जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जब बहुत अच्छी तरीके से एकाग्रता के साथ में कर सकते हैं। तो हमको इसको इस दृष्टि से देखना है कि हम यह योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र को ठीक तरीके से उच्चारण कर सके। इसके लिए यदि हम यह प्राणायाम वगैरह नहीं करते ना, देखना भक्तों कि जब तक हम मन को एकाग्र नहीं करेंगे ना, तो मन को एकाग्र नहीं करते तो महामंत्र के अंदर जप में मन नहीं लगता है। तो यह सब विधि क्यों है कि हम भगवान की अच्छी तरीके से सेवा कर पाए, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, अंडरस्टैंड प्रभु जी? या प्रभु, या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर क्लैरिफिकेशन प्रभु, थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास आपका, और आपने जो स्टोरी बताई कि किस तरह वो सेनापति है अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता था, उसी वक्त मुझे भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का भी याद आ गया। दुर्योधन ने भी पहले ही कहा था कि ये सब जो सैन्य है मेरे लिए अपनी जान देने के लिए आए है, और तभी उसने बता दिया था कि हम लोग सब मरने वाले है। हरे कृष्ण, यस यस यस, हाँ वो प्रथम जो चैप्टर है तो उनका नाम ही है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, बराबर। सब लोग वहां पर क्यों उपस्थित हुए थे, युद्ध करने के लिए। तो वहां पर जो पहला शब्द है ना, धृतराष्ट्र को पता चल गया था, धृतराष्ट्र अभी प्रथम श्लोक का उच्चारण करता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवा शिव किम कुर्वत संजय, है ना। तो यहाँ पे भी जो है ना धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र लोग युद्ध हारने वाले हैं, तो युद्ध करने से पहले धृतराष्ट्र को क्यों पता चल गया कि हम युद्ध हारने वाले, अभी तक तो युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन धृतराष्ट्र को वो यदि आप तात्पर्य पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है कि धृतराष्ट्र को पहले ही पता चल गया कि हमारे पुत्र लोग जो ना युद्ध हार जाएगी। क्यों युद्ध हार जाएगी, क्योंकि वह युद्ध जहां पर होने वाला था, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म भूमि के ऊपर युद्ध होने वाला था, और धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र लोग जो है ना अधर्मी हैं, और युद्ध किसके साथ में कर रहे, पांडव के साथ में, और पांडव किसके पक्ष में है, भगवान के पक्ष में है। तो जहां पर धर्म है तो वहां पर निश्चित विजय है, है ना। तो उसके लिए मतलब पहले ही मतलब क्लियर हो गया था युद्ध करने से पहले। तो हमारा भी जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हमारी एक्टिविटी मनोभाव के ऊपर ही हमको पता चल जाएगा कि आज जो हम कार्य करने के लिए निकले हैं उसके अंदर हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी करके। जैसे मेरा कुछ बिजनेस है, समझो डायमंड का बिजनेस है, तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे चेहरे के हाव भाव पर से पता लग जाता है कि आज मैं मतलब बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे घर से बाहर निकलते एनर्जेटिक के साथ में निकलेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके बिजनेस के अंदर सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारे मनोभाव के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो सुबह को जैसे उठते ही जैसे हम माला हाथ में लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि आज हम ठीक तरीके से जप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो रात को लेट
लेट सोए हो, बराबर 12, 12:30, 1 बजे सोए हो, तो डेफिनेटली सुबह को आप मतलब है ना 8 बजे के पहले नहीं उठने वाले हो, और जैसे आप 8 बजे के बाद में उठते हो और जैसे माला हाथ में लेते हो तो 100% श्योर है कि आपको महामंत्र के अंदर रुचि नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे 8-9 बजता है तो सीधा फोन कॉल चालू हो जाता है, और जैसे इम्पोर्टेंस कॉल चालू होता है तो माला को एक बाजू माला चलती है एक बाजू मोबाइल चलता है, तो पता लग ही गया कि आज का चैंटिंग हम लोग का मतलब ठिकाने पे नहीं है। तो वो सुबह को सारी एक्टिविटी जो है ना सुबह के ऊपर है, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसे होने वाला है ना वो पता लग जाता है। देखिए जिस दिन आप मतलब 16 माला करके जब भी घर से बाहर निकलते हो उस दिन का दिन देखिए कितना अच्छा जाएगा, और जिस दिन आपका सुबह कोई 16 माला नहीं हुआ उस दिन आप देखिए कि मन कितना परेशान करेगा, ये फैक्ट है ना माता जी। ठीक है जी प्रभु, बहुत सुंदर। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, बहुत एनर्जेटिक क्लास था, काफी पॉइंट्स आपने बताए प्रभु जी। वो एक मुझे मेरा एक सवाल था कि आपने जो बताया था कि एक सांस में हम लोग कितने बार हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं, तो उसका एक्चुअली बेसिक यूज क्या है, जरा वापिस बताओ कि प्रभु जी हरे कृष्णा। बेसिकली क्या होता है प्रभु जी कि जैसे देखो आप ऐसे ही मतलब है ना महामंत्र जप करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेट जो है ना सबसे पहला मन को जो है ना महामंत्र के अंदर फोकस करना। जैसे आपने एक श्वास लिया बरा, ऐसे श्वास लिया, श्वास को रोक दिया, और उसके बाद में जब भी आप महामंत्र जपते हो ना तो आपका मन है ना किधर डाइवर्ट नहीं होगा, भटकेगा नहीं आपका मन है ना, क्योंकि आपको तुरंत पता है कि यदि मैं श्वास मतलब ज्यादा समय तक रोक के रखूंगा तो मुझे मतलब प्रॉब्लम होने वाला है, शरीर को कष्ट होने वाला है, तो आपका मन जो है ना तुरंत महामंत्र के ऊपर फोकस होगा। काउंटिंग करते हैं ना, श्वास होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आप प्रयास करके देखो प्रभु, श्वास रोको और महामंत्र जप करो, और ऐसे ही महामंत्र जपो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जैसे आप श्वास रोक करके जब भी महामंत्र जप करते हो तो आपका पूरा फोकस महामंत्र के ऊपर होगा, और श्वास बिना श्वास रोके ऐसे ही श्वास मतलब ये श्वास लेते लेते यदि आप महामंत्र जपते हो तो आपका मन जो है ना उसके ऊपर केंद्रित नहीं होगा। समझ में आ रहा है प्रभु जी? ओके ओके ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यस हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? आई थिंक सबको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाहता था, थोड़ा एक्चुअली मेरा स्पीड थोड़ा बहुत ही तेज गति से जा रहा था क्योंकि कम समय के अंदर बहुत कुछ बताना था, तो कभी कभी क्या होता है स्पीड में बोलने के कारण कुछ बात मतलब कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा आप मतलब सब लोग बुद्धिमान है, आई थिंक आप मेरे भाव को समझ गए होंगे। श्योर प्रभु, बहुत नहीं सर, आपका स्पीड भी जो था सही था क्योंकि टाइम अपना कम होता है तो बहुत सारा जो है कवर करना होता है, और कभी ऐसा है आपको लगता है प्रभु तो यू कैन टेक एक्स्ट्रा 10 मिनट्स 15 मिनट्स, तो थैंक यू, बहुत अच्छे तरह से आपने ये जो प्राणायाम है योगा है इसका सही उपयोग किया है ये आपने बताया, सो थैंक यू फॉर दैट, और ऐसे ही आते रहिए। तो हम लोग अभी नरसिंह आरती करेंगे, तो अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वंश कल पुत्र वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, शील प्रभुपाद की जय, जीवन कृष्ण प्रभु की जय, हरे कृष्णा।